गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ओके स्टूडेंट, तो टुडे इज और टॉपिक, न्यू टॉपिक है स्टूडेंट, ये एडवर्ब। ओके, 11th क्लास का टॉपिक है एडवर्ब, कि जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आई वुड लाइक टू टीच अबाउट द एडवर्ब। ओके स्टूडेंट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ओके स्टूडेंट, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एडवर्ब। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। An adverb is a word which qualifies or modifies in the meaning of any part of speech. Okay, student? But except a noun, pronoun, and interjection, it is called adverb. Okay, student? कि noun और pronoun और interjection के अलावा सिवाय पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी भाग, कोई भी मीनिंग, ठीक है, उसको मॉडिफाई करने के लिए, सुधार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, एडवर्ब का उपयोग किया जाता है, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण का उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसमें कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार कितने होते हैं। दे आर थ्री काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट सिंपल एडवर्ब, सेकेंड इंटरोगेटिव एडवर्ब, और थर्ड रिलेटिव एडवर्ब। इज दैट करियर स्टूडेंट? तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ओके स्टूडेंट, फर्स्ट सिंपल एडवर्ब, ओके स्टूडेंट, सिंपल एडवर्ब, एंड सेकेंड इंटरोगेटिव, एडवर्ब, एंड थर्ड रिलेटिव एडवर्ब। ओके स्टूडेंट, दे आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब, सॉरी एडवर्ब, विच फर्स्ट सिंपल एडवर्ब, सेकेंड इंटरोगेटिव एडवर्ब, और थर्ड रिलेटिव एडवर्ब। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, कि व्हाट इज अ सिंपल एडवर्ब, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपल एडवर्ब। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट सिंपल एडवर्ब, ओके स्टूडेंट, सिंपल एडवर्ब, कि सिंपल एडवर्ब होता क्या है स्टूडेंट। सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब्स modify, simple adverb modify the words with which the
which they are used as. Simple adverbs modify the words with which they are used. Okay student, उन शब्दों को, क्रिया विशेषण के उन शब्दों को मॉडिफाई करता है जिनका उपयोग किया जाता है. ओके स्टूडेंट, एज जैसे फर्स्ट सी लुक्स ब्यूटिफुली, सेकंड He sleeps early. Okay, student. Beautifully and early these are adverbs. Okay, student. Simple adverb. अब नेक्स्ट सिंपल एडवर्ब में देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एडवर्ब ऑफ टाइम. Next, types of simple adverbs. Okay, student. तो first जो type है इसकी adverb of time. ओके स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम दीज एडवर्ब्स क्वेश्चन द आंसर दीज एडवर्ब्स question the answer when. These adverbs question the answer when. Is that clear student? Okay student, these adverbs, sorry student, these adverbs answer the question when. Adverb of time, these adverbs answer the question when. Okay student, when it refer to, it refers to time. It refers to time. ये किसकी ओर संकेत करता है? Time की ओर संकेत करता है. When it refers to time. Okay student, examples. They will come soon. Next,
go to bed early. They will come soon, go to bed early. And next, they will come soon. Soon क्या student? Adverb. Early क्या adverb. Next, I was absent yesterday. I was absent yesterday. The train came early. The train came early. Okay, student. तो अब देखो student, adverb of time. These adverbs answer the question when. Okay, student. Next example, we take some examples. They will come soon. Soon time show कर रहे हैं. वे आएंगे. When? Soon. जल्दी. Is that clear, student? Okay. They will come, वे आएंगे, but when? लेकिन कब? Soon. जल्दी. Is that clear, student? Next, go to bed. Go to bed. When? कब? Early. Okay, student? Next, जैसे कि when do you go to bed? कि आप कब सोते हो? तो next answer क्या होगा? We go to bed या I go to bed early. मैं जल्दी सोता हूँ. Is that clear, student? इसी प्रकार से सेम I was absent yesterday. When did you absent? Okay, student? आप absent कब थे? I was absent yesterday. तो yesterday is showing time. Okay, student? The train came early. The train came early. When? Early, jaldi. Okay, student? Early is showing time. Okay, student? Is that clear? Next. In these sentences, adverbs are soon, early, yesterday, early, tell us time. In these sentences, soon, early, yesterday, early, tell us time. हमें क्या बताते हैं स्टूडेंट? ये क्या बता रहे हैं? टाइम शो कर रहे, टाइम बता रहे हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? Adverb of time. Is that clear, student? Adverb of time. Next, adverbs of time are. Adverbs of time are
before, shortly, today, tomorrow, yesterday, ago, immediately, immediately, presently, recently, formerly, now, soon, then, early, late, after, and afterwards, afterwards. Okay, student, these are adverb of time. Okay, student, is that clear? Next जो हमारा है वो है adverb of where. Okay, student, sorry, place. नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस इट मींस कि इट रेफर्स टू प्लेस, कि स्थान की तरफ संकेत करेगा ये. ओके स्टूडेंट, दीज एडवर्ब्स, दीज एडवर्ब्स इज, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन. Where it refers to place. Okay, student, adverb of place. These adverbs answer the question where. Okay, student, अगर हम question where से put करेंगे student, तो हमारे पास जो प्लेस है उसके बारे में पता चलेगा. ओके स्टूडेंट, तो इट रेफर्स टू प्लेस, ये किसकी ओर संकेत करता है? स्थान की ओर संकेत करता है. ओके स्टूडेंट, वी ऑल्सो रीड अबाउट वेयर इन द रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके स्टूडेंट, वेयर एग्जांपल्स you leave there. Okay student, you leave there. First sentence, come. Come inside the room.
Next. Come inside the room. You leave there. Next, student. You leave there. Come inside the room. Okay, student. ये देर हो गया, inside हो गया. ये क्या शो कर रहा है? Where, time, sorry, place शो कर रहा है student. स्थान शो कर रहा है. Okay. See. Looked up. The thief was found nowhere. Okay, student. You leave there. अब student, ये जैसे ये दिया हुआ है, you leave there. There is soy place. जैसे क्वेश्चन पुट किया, जैसे ये लिखा है, the adverbs answer the question. Okay, student. अब क्वेश्चन पुट किया है कैसे, कि where do you live? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? आप कहाँ रहते हो? तो I live there. तो there is soil place. Is that clear, student? Next, इसी प्रकार से Come inside the room. Inside, अंदर की तरफ. Okay, student? तो ये क्या कर रहा है? सो प्लेस शो कर रहा है. Okay, student? See, look up. Okay, student? अब आंसर कैसे हुआ? कि see, look up. ओके स्टूडेंट, ये जो अप है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके स्टूडेंट, कि कहां देखा उसने? ओके स्टूडेंट, वेयर डिड सी लुक ऊपर. ओके स्टूडेंट, तो अप मींस ऊपर. सी लुक उसने ऊपर देखा. ओके स्टूडेंट, द थी वॉज फाउंड नाउ वेयर. तो नाउ वेयर इज सोइंग टाइम. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इन दीज सेंटेंसेस, देयर, इनसाइड, अप, नाउ वेयर आर एडवर्ब ऑफ प्लेस. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट. In these sentences, adverb of place are there. Now we are up, tell us of less. ये स्थान की ओर संकेत करते हैं, स्थान की ओर हमें बताते हैं. ओके स्टूडेंट, there, now, where, okay, और up. Is that clear, student? Next, adverbs of place are
in, out, inside, outside, below, near, away, here, there, there, now, here, anywhere, in, out, inside, outside, below, near, away, here, there, nowhere, anywhere, or student, beside, backward, forward, forward, okay student, these are adverbs of place. Okay student, in, out, inside, outside, below, near, away, here, there, now, here, anywhere, beside, or backward, forward. Is that clear student? Okay student, I hope that you must have to understand this topic, the adverb, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, तो टेक केयर, बाय फॉर नाउ.